राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेकेंडरी एग्जाम 2023 में आए हुए एक एक्सरसाइज क्लोज का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लोज यानी रिलेटिव क्लोज से संबंधित ये एक्सरसाइज है, जिसमें हमें दो सेंटेंस को दिए गए रिलेटिव क्लोज के अकॉर्डिंग हमें जोड़ना है। तो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, ये आप देखें ब्रैकेट्स सेंटेंस के एंड होने के बाद विच और हुम, इन दो रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके हमें इन दिए गए दो सेंटेंस को जोड़ना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आप दो सेंटेंस पढ़ ले। पहला सेंटेंस क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी बुक है वो टेबल पर है, द बुक हैज ए व्हाइट रैपर, और बुक का जो कवर है जो पेज है वो कैसा है, व्हाइट। अब यहां पर आप देखें तो दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस होता है वो एक इंफॉर्मेशन देता है और दूसरा सेंटेंस एक अतिरिक्त हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। अब चूंकि यहां पर जो कंजक्शन है वो विच है, तो ध्यान रखें विच हमेशा वस्तु यानी थिंग या जानवर यानी एनिमल के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप पहले सेंटेंस में देखें एक वस्तु दी हुई है बुक, जो कि कहां पर पड़ी है, टेबल पे, यानी ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई, और द बुक हैज ए व्हाइट रैपर, और बुक का है यानी उसी बुक की एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि उसका जो रैपर है वो कैसा है, व्हाइट है। तो यहां पर जब दो इंफॉर्मेशन दी हुई होती है तो ऐसी स्थिति में हमें इसके रिलेटिव कंजक्शन विच से इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले आप देखें जो भी चेंजेस होगा वो सेकेंड सेंटेंस में होगा, और उस पूरे सेकेंड सेंटेंस को हमें फर्स्ट सेंटेंस के जो रिलेटेड वर्ड है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट उसके पहले लिखना है। तो यहां पर आप देखें जो भी सेकेंड चेंज करना है वो होगा आपका सेकेंड सेंटेंस में। तो बुक आया हुआ है, इसकी जगह हम लिख देते हैं विच। अब ये सेंटेंस हमारा हो गया विच हैज ए व्हाइट रैपर। अब ये बुक किसके लिए आया हुआ है, पहले सेंटेंस की बुक के लिए। तो अब ये पूरा सेंटेंस जो विच हैज व्हाइट रैपर वो हम लिख देते हैं इस बुक के जस्ट पहले। तो अब हमारा सेंटेंस हो जाएगा द बुक विच हैज ए व्हाइट रैपर। इसके बाद बचा हुआ सेंटेंस हम लिख देंगे इज ऑन द टेबल, यानी द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक हैज ए व्हाइट रैपर को यदि विच रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़े तो हमारा जुड़ा हुआ सेंटेंस होगा वो होगा द बुक विच हैज ए व्हाइट रैपर इज ऑन द टेबल। यानी जब भी हम किसी रिलेटिव प्रोनाउन से दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो जो भी चेंजेस करना है वो सेकेंड सेंटेंस में होगा, और उस पूरे सेकेंड सेंटेंस को फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के आगे हमें लिखना होता है। अब यहां देखें सेकेंड जो आपका सेंटेंस है, यू मेट ए मैन यस्टरडे, यानी तुम एक व्यक्ति से कल मिले, द मैन वॉज माई फादर, और वह व्यक्ति मेरे पिताजी थे। अब इसको जोड़ना है हुम, तो डियर स्टूडेंट्स हुम होता है वो पर्सन के लिए हम प्रयोग करते हैं, यानी व्यक्ति के लिए। विच का प्रयोग वस्तु और जानवर के लिए, और हु हुम हुज, ये तीन ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन है जो व्यक्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो हुम होगा व्यक्ति। तो अब यहां देखिए दो सेंटेंस में कौन कौन व्यक्ति है, एक तो यू यानी तुम, जो कि आप मिले, किसे मिले, एक व्यक्ति से मिले कल। अब दूसरा सेंटेंस किस व्यक्ति की बात कर रहा है, द मैन यानी इस ए मैन के बारे में, यानी द मैन वॉज माई फादर, जिस व्यक्ति से तुम मिले वो व्यक्ति कौन है, मेरे पिताजी है। तो ऐसी स्थिति में हुम का हमें प्रयोग करना है। अब यहां पर हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहां पर थोड़ा सा आपको देखना है, इसको हमें सेकेंड सेंटेंस मानना है, क्योंकि यहां पर ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर है, जबकि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है। तो यहां सबसे पहले हो जाएगा द मैन
अब इसकी जगह हमें whom लिखना है, सॉरी इसको हटाकर इस पूरे सेंटेंस में आपको whom का प्रयोग करना है, और इस पूरे सेंटेंस whom you meet yesterday उस सेंटेंस के आगे लिख देना जिससे ये संबंधित है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द मैन whom you met yesterday was my father। डियर स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा यहां पर ये ध्यान रखना है, हालांकि हमने यहां पर फर्स्ट सेंटेंस में चेंज किया है, लेकिन चूंकि सेकंड सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि whom है वो ऑब्जेक्ट के लिए आता है, और यहां पर आप देखें तो फर्स्ट पर्सन के रूप में ऑब्जेक्ट आया हुआ है जो कि आपके इस सब्जेक्ट से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में हमें इस सेंटेंस को चेंज करना होता है। तो ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बाकी नॉर्मली ये सेंटेंस है वो पीछे आता है। तो क्लियर, तो द मेन यू मेट ए मैन यस्टरडे, द मैन वॉज माई फादर, इस सेंटेंस को whom से जोड़ेंगे, द मैन whom यू मेट यस्टरडे वॉज माई फादर। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।